तो बिहार में काबा, फिलहाल तो बवाल बा। सुबह के 11:30 बज रहे हैं, देख रहे हैं आज तक, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, बिहार के दो शहरों में लगातार दो दिनों से हिंसा हो रही है, फिलहाल शांति है। 106 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार शरीफ और सासाराम दोनों जगह धारा 144 लागू है। एक शख्स की मौत हो चुकी है और कल नालंदा में कई जगह गोलियां चली थी, जबकि सासाराम में बम फेंका गया था, यानी बमबाजी हुई थी। इस बीच बिहार के हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के गवर्नर से भी बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिहार में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां भेजी हैं और जरूरत पड़ने पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी जा सकती है। तो इस बीच गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। नीतीश कुमार ने चलिए हर हालात पर नजर बने हुए हैं। आज तक के हमारे तमाम सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। सासाराम से आदित्य वैभव और बिहार शरीफ से रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रोहित, पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह के हालात हैं? आप वहां पर मौजूद हैं, शांति बताई जा रही है, लेकिन क्या यह शांति है सचमुच या फिर पसरा हुआ सन्नाटा? पुलिस का एक्शन क्या है, किस तरह से राज्य सरकार का कदम? देखिए आशुतोष, अभी जिस तरीके की शांति है, यही शांति कल भी 24 घंटे पहले थी। दिन के वक्त पूरी शांति थी, पुलिस चप्पे चप्पे पर घूम रही थी, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ उसके बाद तो लगा मानो बिहार शरीफ गोलियों से थर्रा गया। तकरीबन आधा दर्जन इलाके, पहाड़पुर इलाका, काशी तकिया, सोहसराय, कई इलाकों में ताबड़तोड़ कल रात भर फायरिंग होती रही। कहीं दर्जन भर फायरिंग हुई, कहीं आधा दर्जन गोलियां चली हैं, 3 लोग घायल हुए, उसमें से एक की मौत हो गई। तो कल रात में गोलियों की तड़तड़ाहट से बिहार शरीफ जो है वो दहल गया, जिसके बाद अचानक से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद में पहले कर्फ्यू भी लगाया गया कुछ देर के लिए, लेकिन फिर उस कर्फ्यू को उठा लिया गया और धारा 144 अभी भी लागू है। और अब प्रशासन ने जहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती तो आज की है, और हालात भी एकदम लग रहा है कि कर्फ्यू जैसे ही बने हुए हैं, सबको कहा गया कि घर के अंदर रहें, वहीं 9 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी अब जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतार दी गई हैं, ताकि हालात को सामान्य बनाया जा सके। तो आप देख सकते हैं 3 दिनों से बिहार शरीफ में जो है हिंसा भड़की हुई है, रह रहकर जो है हिंसा देखने को मिल रही है। दिन के वक्त तो शांति होती है, लेकिन सूर्य अस्त होते के साथ ही एक बार फिर से दो समुदाय के लोग जो है वो गोलीबाजी शुरू कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वही कल देखने को मिला। और प्रशासन के लिए जो ये दंगाई है वो लगातार चुनौती बने हुए हैं। आशुतोष, बिल्कुल रोहित, आप बने रहे हमारे साथ, आपका फिर से रुख करेंगे। जगह है बिहार शरीफ, लेकिन कुछ लोग जो है जो आरोपी है वो शराफत बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। सासाराम का रुख करते हैं। आदित्य वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आदित्य, वहां के क्या हालात हैं, किस तरह से पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, कुल कितने लोग अब तक गिरफ्त में आए हैं, और इससे जुड़ी हर अपडेट आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल आशुतोष, जहां तक सासाराम की बात की जाए तो अभी तक कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है पुलिस के द्वारा, और इसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ कल वाले बम धमाके के वाले कांड में उनकी संलिप्तता के लिए हुई है। बड़ी बात यह है कि अभी तक जो माहौल है, कल जो बम धमाके की बात आई उसके बाद देर रात तक फ्लैग मार्च का सिलसिला चलता रहा। FSL की टीम आई, सुबह तक FSL की टीम ने जांच की, उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आया, और मिला जुलाकर अभी देखा जाए तो सासाराम में स्थिति तनावपूर्ण पर शांतिपूर्ण है। देखना यह होगा कि यह शांति कब तक बहाल रहती है। और बड़ी बात यह भी है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनसे जो इंटरोगेशन की जा रही है, उस क्रम में जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, उनको कितना सत्यापित किया जा पाता है और इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा पाती है, क्योंकि इस हिंसा का सिलसिला थम नहीं रहा है आशुतोष। अगर देखा जाए तो जहां जिला प्रशासन का कहना है कि रामनवमी के अगले दिन से जिस तरह से यहां माहौल बना, जिस तरह से तनाव जारी है, उसको डिफ्यूज करने की रुकेगा तभी जब कानून का डर होगा, जो डंडा चलेगा जब चाबुक चलेगी, क्योंकि कानून का खौफ बेहद जरूरी है और पुलिस प्रशासन का इकबाल बुलंद होना बहुत जरूरी है। आदित्य और रोहित हमारे दो सहयोगी आज तक के, आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाए, इसके लिए बहुत शुक्रिया।